ये मेरा होटल है हवाना। कल हम यहाँ पे आए थे, रुके थे, अभी पानी की बोतल लेके आया हूँ वहाँ पीछे से। मैं एक्चुअली कैश ऊपर भूल गया मेरे रूम में। मैंने कहा मुझे पानी की बोतल दे दे, मैं ऊपर जाके कॉफ़ी पी के और तेरे लिए लेके आता हूँ। तो भाई स्वागत है आपका डे नंबर 3 बाली सीरीज में। और अभी मैं निकल रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। अभी मैंने पीछे से एक पानी की बोतल ले ली है, वही पानी की बोतल जिस आंटी ने मेरे से पैसे नहीं लिए थे वैसे ही दे दी थी मेरे को। उसने बोला मैं एक्चुअली पैसे ना होटल रूम में भूल गया था, तो जब वहाँ पे गया तो मुझे लगा मैं वापस जाऊँगा फिर दोबारा से आऊँगा। मैंने उससे पूछ लिया कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो तू मुझे पानी की बोतल दे दे। उसने मुझे दे दी वैसे ही, और हालांकि उसने मुझे 2,000 महंगी दी है। ये मैं बोतल हर जगह 8,000 या 7,000 में खरीद रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे 10,000 की दी। बट कोई बात नहीं, इसका चक्कर नहीं है, ये इनका सारी जो बेचारों की इनकम है, सारी सारी टूरिस्ट जनरेटेड इनकम है। तो थोड़ा सा यदि दे भी दिया जाए एक्स्ट्रा, डजेंट मैटर। बट वो हेल्पफुल थी आंटी, शी वॉज काइंड हेल्पफुल। आज सबसे पहले तो कल की ट्रेनिंग की बात करते हैं। कल जो ट्रेनिंग करी थी उसमें मुझे एज सच कोई बैक या बाइसेप्स में कोई भी सोरनेस नहीं लगी। थोड़ी बहुत बाइसेप्स में लग रही है क्योंकि काफ़ी हैवी डंबल थे। मैं एक बारी अपना वो चेक कर लेता हूँ मैप, गूगल मैप, क्योंकि यहाँ पे आगे एक रास्ता उस साइड जा रहा है, एक उस साइड जा रहा है, तो मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा, मैं चेक कर लेता। ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा शहर बाइक या स्कूटी पे निकल गया है। गाड़ियाँ बहुत कम दिखने को मिलती हैं, लेकिन स्कूटी और सबसे ज़्यादा स्कूटी है भाई यहाँ पे। सुंदर भी है ये शहर, है ना? दोनों साइड देखो, ग्रीनरी अच्छी है, ग्रीनरी दोनों साइड बहुत अच्छी है, और साफ सफाई भी है, देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि साफ सफाई नहीं है। तो ट्रेनिंग की बात करूं, आज करने वाला हूं मैं लेग्स डे, ठीक है? वैसे लेग्स डे करते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी। रोड क्रॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोग है ना रोड क्रॉस करने दे रहे हैं। मुझे लगता है आगे से करना चाहिए। एक बार रोड क्रॉस कर लेता हूँ अच्छे से सेफ्टी से, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो अब मैंने रोड क्रॉस कर लिया है। लेग्स करते हुए आज मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज कितनी वो करनी पड़ेगी। कल मेरे ऑलमोस्ट 25,000 स्टेप्स हो गए थे, और मेरी एक्चुअली वॉच भी बंद हो गई थी लास्ट के 2-3 घंटे हमने जो वॉक करी। बट एनीवेज अभी चलते हैं जिम में, जाके लेग्स ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद करेंगे आज का दिन स्टार्ट। भाई ये जो सामने है ना, ये कोई मेन हाईवे है यहाँ का, बहुत बिजी है, बहुत शोर हो रहा है। इसके बिल्कुल सामने ये जिम है, ये जिम की बिल्डिंग है। तो यहाँ अब इस जिम में जाने वाला हूँ मैं, और देखते हैं कैसा रहता है आज का ट्रेनिंग सेशन। लेट्स गो इनसाइड एंड डू दिस। मुझे भी एक्चुअली है ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मुझे किसी दूसरे शहर में जाके, नए जिम में जाके वर्कआउट करना काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब एक है ना अच्छी फीलिंग होती है। यदि आप जिम जाते हो, जाके देखोगे ना थोड़े से अलग जिम में, अलग माहौल में, आप इंजॉय करोगे, ट्राई करके देखना। तो भाई ये अपना जिम आज का, कोई नहीं है भाई, कोई बंदा भी नहीं है। ऐसे लग रहा है मैं अकेला ही हूँ जिम में, और ये मेरा पर्सनल जिम है। यहाँ पे सामने ट्रेडमिल सेक्शन है, वो सामने फ्री वेट्स की मशीन है, ये मशीन है, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मशीन है। लेग्स ट्रेन करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, कोई भी लेग की अच्छी सी मशीन देख के। म्यूजिक नहीं चलता, आप लोगों से बात कर लेता हूँ क्विकली। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार इतने टाइम बाद फ्री स्क्वाट लगाते हुए। मैं बस
थक चुका था वहाँ पे, और मैंने पिछले कुछ टाइम से स्क्वाट लगाने बंद भी कर दिए थे क्योंकि लोअर बैक में बहुत पेन रहता था। आई थिंक ये बहुत बेस्ट है। मैं ब्रिस्बेन जाता ही सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, जिम चेंज करने वाला हूँ भाई। आज पहली बार लाइफ में ट्राईपॉड लगा के वर्कआउट किया जा रहा है, वो भी बाली में। ये कभी मैं ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं कर पाया हूँ, और पसीने बहुत आ रहे हैं क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, विच इज़ एक्चुअली गुड, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है जितने स्वेट आसके आपको वर्कआउट करते हुए। तो आज लगा रहे अपनी वर्कआउट की दूसरी एक्सरसाइज लेग प्रेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन लगी मुझे, मैं ऑलरेडी 3 सेट इसके लगा चुका हूँ, लास्ट सेट लगा रहा हूँ अभी। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम टांगों से वेट आगे पुश करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वाट टाइप हो रहा है। टांगों से मेरे पीछे ये है, ये सारा वेट है। जब मैं ऐसे टांगे खोलता हूँ तो हम पुशिंग माई बॉडी टूवर्ड्स बैक, तो उससे क्या हो रहा है कि एक स्क्वाट वाली फीलिंग आ रही है। अब दिखाता हूँ, ये ऐसे रहेगा, ये आगे ऐसे रहेगा, बैक की साइड मूव होगा पूरा। ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ मैं आज, क्योंकि बहुत वॉक करनी पड़ेगी पूरा दिन आज भी और कल भी। आई डोंट माई सेल्फ फीलिंग अनकम्फर्टेबल वाइल वॉकिंग टुडे, सो यह इतना ही काफ़ी है। हम करेंगे अपने ग्लूट्स स्ट्रेंथ इस मशीन के ऊपर, बिना वेट के भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हाथ में डंबल लेके उससे भी कर सकते हो, बाबल है तो बाबल से भी कर सकते हो। यहाँ पे डंबल अवेलेबल है, 2 सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, इसका लास्ट सेट है, 3 सेट इसके लगाते हैं। ज़्यादा ऑप्शन है नहीं मशीनों के। कभी आपने रोक को वर्कआउट करते हुए देखा है? यदि जिम जाते हो देखा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं रोक बन रहा हूँ, लेकिन लुक एट दिस, जो ये मेरे सिर की ये जो नस है ना, इस साइड भी जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो रोक की नस देखना, कभी ये वाली इतनी फूल जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो ये क्या होता है, मुझे इसका एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता, लेकिन रोक लग रहा भाई, रोक वाली फीलिंग आ रही है। मुझे लगा कि लेग्स के लिए ज़्यादा मशीन अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे लगा पैसे पूरे नहीं हुए जिम के, तो मैं शोल्डर ट्रेन करने लग गया हूँ, क्योंकि शोल्डर मैंने मंडे ट्रेन किए थे, आज थर्सडे है तो कर सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, रिकवर हो चुका है शोल्डर। तो शोल्डर के 2 एक्सरसाइज लगाएंगे, ये वाले और लिटिल रेज, और इनका बेंच बहुत कम्फर्टेबल है, आई लव इट। भाई इस जिम में वर्कआउट करने का बहुत मज़ा आया, वर्कआउट अपना फिनिश हो गया, अभी निकलते हैं घर के लिए, अपने होटल के लिए। होटल में जाते हैं और करते हैं आज के दिन का ट्रैवल स्टार्ट। बहुत नाइस जिम था, फुल मज़ा, थैंक यू ब्रो, सी यू मैन। सो फुल मज़े आ गए भाई ट्रेन करके, और जिम वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है।
हम आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। कल किसी और नई जिम में जाएंगे, कुछ और नए एक्सप्लोर करेंगे। फ्राइडे में शायद वहाँ पे वापस आके दोबारा से ट्रेन करूँगा। फ्राइडे मैं शायद कोटा में वापस आ जाऊँगा। आज हम जा रहे हैं उबुद। सो कल की वीडियो में आप देखने को मिलेगा कि मैं किसी उबुद के किसी जिम में ट्रेन कर रहा हूँगा। सो गाइज, आप बेसिक ट्रैवल करते हैं कहीं भी हैं लाइफ में, किसी भी जगह पर हैं, अपने लिए अपनी बॉडी के लिए हाफ एन आवर 20 मिनट्स तो मिनिमम निकाल ही सकते हैं, और इतना इनफ होता है यदि आप डेली निकाल सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नहीं किया है तो। बहुत सारे अच्छे अच्छे फिटनेस व्लॉग आने वाले हैं, और ट्रैवलिंग चैनल को सब्सक्राइब करना है तो वो भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। बाय बाय, मिलते हैं।